गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबको का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबको लगातार इंटरटेनमेंट के माध्यम से लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्वेश्चन और विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स और विभिन्न विषयों के टॉपिक्स को शानदार शब्दों में, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपका मन इस यूट्यूब चैनल में लग चुका है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक पूरी तरह से इन्फ्लेशन पर होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द रोल ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ इट अफेक्ट्स आवर इकोनॉमिक, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस सेक्शन। तो बने रहिए इस वीडियो में, अंतिम तक देखिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, क्या है ये इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति क्या है। देखिए, इन्फ्लेशन आज का जो सेशन होगा वो इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन होगा। पहले मैं इंग्लिश को रीड करूंगा, फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन किसी तरह से तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करूंगा। ओके, तो बने रहिए। इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कैलकुलेटेड सर्ज इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स। देखिए, इन्फ्लेशन का सीधा मतलब होता है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज प्राइस वस्तुओं का लगातार बढ़ना एंड सर्विसेज का भी, फॉर ए लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन इन इकोनॉमिक। जब एक लंबी समय अवधि में अर्थव्यवस्था में अगर अधिकांश वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ने लगे तो आप इसको इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रा स्फीति कर सकते हैं। इट इज ए मैक्रो कंसेप्ट। ये वास्तव में एक विशिष्ट वशिष्टि और समष्टि, आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, मतलब एक बहुत बड़ा अध्ययन का है जिसमें हम लोग वेयर इन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज सीन ओवर अ लार्ज बास्केट ऑफ गुड्स, जहां पर वस्तुओं के ढेर सारे वस्तु जो होते हैं उनके महंगाई अर्थात उनके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं। द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज दैट द वैल्यू ऑफ मनी इज रिड्यूस। एक लाइन में अगर कहा जाए तो इसका सबसे बुरा प्रभाव मुद्रा पर पड़ता है। मुद्रा अर्थात मूल्य पर उसका कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपका जो मूल्य है, आपका जो रुपया है, उसकी कीमत गिर जाती है। द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज रिड्यूस, मतलब रुपया की क्रय शक्ति घट जाती है। रुपया की क्रय शक्ति घट जाने का मतलब होता है आप अधिकांश चीजों को खरीदने के लिए अधिक से अधिक रुपया चुकाना पड़ता है, मतलब छोटे से छोटे चीज या न्यूनतम वस्तु को खरीदने के लिए अधिक से अधिक चीजों को चुकाना पड़ता है। इसको कहते हैं कि लार्जर मनी चेजेस फ्यूअर गुड्स, मतलब अधिकांश पैसा छोटे छोटे कम वस्तु को चेज कर रहा, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एज पर आरबीआई, जैसा कि आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% विथ प्लस माइनस 2% टॉलरेंस बैंड इज अप्रोप्रिएट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 2021 से 2025 के बीच आरबीआई के अनुसार कहा गया है कि जो महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति का जो रेट होगा वो 4%, 2% से लेकर 4% के बीच में, जिसमें प्लस माइनस 2+ हो सकता है, 4% ऐसे बताया गया लेकिन उसमें प्लस माइनस 2, इसका मतलब 2 से 6% के बीच में मुद्रास्फीति रहे तो किसी भी इकोनॉमिक के लिए 2021 से 2025 के लिए बेहतर माना जाएगा। ओके, अब हम लोग जानेंगे फॉर द जनरली कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक कैन बी एक्सप्लेन। अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड अर्थात मांग जनित इन्फ्लेशन। मांग जनित इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मांग में अगर वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का डिमांड होता, पूर्ति नहीं हो पाता, उसके कारण जो महंगाई आती है यानी मुद्रास्फीति आती है उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमिक। अगर समग्र मांग इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था में अगर समग्र मांग बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया है। कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्या कारण हो सकता है मांग जनित इन्फ्लेशन के। ए ग्रोइंग इकोनॉमिक और एक इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी व्हेन कंज्यूमर्स फील कॉन्फिडेंट। जब लोगों के हाथ में अधिक से अधिक पैसा आता है तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, दे फील कॉन्फिडेंट, उन्हें मतलब एक तरह से आत्मविश्वास उनका जग जाता है, दे स्पेंड मोर एंड मोर, अधिक से अधिक वो खर्च करते हैं, अधिक से अधिक उधार लेते हैं। दिस लीड टू द स्टडी इंक्रीज इन द डिमांड, इससे एक लगातार मांग बढ़ते चली जाती है, जिसका सीधा मतलब है प्राइस का बढ़ना, क्योंकि मांग और प्राइस में उल्टा रिलेशनशिप है। डिमांड का, मांग का नियम यही कहता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो डिमांड घटता है, लेकिन यहाँ पर तो डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है, अब पैसा ज़्यादा होने के कारण आपका डिमांड बढ़ रहा है और स्वाभाविक है यहाँ पर मुद्रास्फीति आ सकती है। एसेट इन्फ्लेशन या फिर इंक्रीज इन द फॉरेस्ट रिजर्व। जब आपके फॉरेस्ट रिजर्व में, मतलब भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर आरबीआई के फॉरेस्ट रिजर्व में जब अगर लगातार एसेट बढ़ता जा रहा हो, डॉलर की मतलब भारी मात्रा जमा हो रही हो, सडन राइज इन एक्सपोर्ट फोर्सेस ए डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी इन्वॉल्व।
अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया हो, एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, जब आप अधिक से अधिक चीजों को विदेश के बाजारों में बेच रहे हैं तो उससे अधिक से अधिक आपको क्या हो रहा है, आपको डॉलर की प्राप्ति हो रही है, आपके करेंसी का डिमांड बढ़ता जा रहा है, इससे आपके फॉरेक्स रिजर्व में, तो फॉरेक्स रिजर्व अगर आपका बढ़ता जा रहा है तो निश्चित रूप से डॉलर ज़्यादा ज़्यादा आ जा रहा है। इसका मतलब है आपके रिजर्व की वृद्धि के कारण आपके एक्सपोर्ट की वृद्धि हो रही है, घरेलू जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक इन्फ्लेशन तो आएगा ही। दूसरा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब भारत सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए मुद्रा का प्रिंटिंग कराती है तो अधिक से अधिक मुद्रा बाजार में जाता है। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर फ्रीली प्राइसेस गो अप, जब सरकार अविवेकपूर्ण तरीके से खर्चा करती है तो प्राइस का वैल्यू बढ़ जाता है, प्राइस लगातार बढ़ते चला जाता है ड्यू टू फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का सीधा मतलब होता है सरकार जो होता है राजकोषीय घाटे को बढ़ाते चले जाती है, अधिक से अधिक खर्चा कर जाती है, जानबूझकर अधिक से अधिक बोरोइंग करती है, उधार ले लेती है, डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, इससे पैसे, जब अगर आपके पैसे का कीमत गिरता जाएगा, उसका मूल्य गिरता जाएगा तो आपके अधिक से अधिक सामान विश्व के बाजार में बिकेंगे, उससे भी डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी से भी इन्फ्लेशन आता है। उसके बाद लॉ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर अगर आपका कम है तो भी इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि अधिक लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा होगा। इफेक्ट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, शॉर्टेज इन सप्लाई, एक तो आपूर्ति बाधा हो सकती है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कीमत तो बढ़ेगा ही, यही तो है ओवरऑल इन्फ्लेशन, द ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इससे जिंदगी थोड़ी महंगी हो जाएगी, खर्चीला हो जाएगा और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश मतलब इसका सीधा होता है लागत जनित मुद्रास्फीति। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज ड्यू टू वेरियस रीजन, ये जो इन्फ्लेशन होता है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ इनपुट्स, जो चीज वस्तु बनाता है, जिस वस्तु को बनाने में ढेर सारे जो इनपुट्स लगते हैं, चाहे लेबर हो, बिजली हो, पूंजी हो, श्रम हो, अगर इन चीजों का कीमत बढ़े तो लागत जनित मुद्रास्फीति आती है। होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज, अगर वस्तुओं को मतलब ब्लैक मार्केटिंग करने लगे, उनका जमाखोरी होने लगे तो बाजार में उस वस्तु का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगा। डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ चेन, ये जो आपकी सप्लाई चेन अगर बेहतर ना हो तो लोगों के पास वस्तु पहुंच नहीं पाएगा, सड़क अभाव, पुल का अभाव, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो होना चाहिए अगर ठीक ढंग से नहीं है तो वस्तु को पहुंचने में समय लग सकता है, जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि GST में अगर लगातार वृद्धि कर दी जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति उसको चुकाने में असक्षम हो जाएगा, जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़े चाहे ना बढ़े कीमत बढ़ता हुआ दिखेगा। डिफ्रिसिएशन ऑफ करेंसी, अगर आपके करेंसी का डिफ्रिसिएशन हो जाए, अर्थात आपके मुद्रा का वैल्यू गिर जाए, तो आपको अधिक मुद्रा चुकाकर कम वस्तु मिलेगा। दूसरा है क्रूड ऑयल फ्लैक्चुएशन, अगर विदेश के मार्केट में, या फिर जिससे हम लोग चुके 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, अगर क्रूड ऑयल की कीमत में उतार चढ़ाव आए तो भी बहुत परेशानी बढ़ सकती है। डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन अगर ठीक ढंग से नहीं है तो भी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, लेकिन ये लागत जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर कृषि का ठीक ढंग से विकास नहीं हुआ तो निश्चित रूप से लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। फूड इन्फ्लेशन, अगर खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने लगे तो भी लागत जनित मुद्रास्फीति होगी। इंक्रीज रेट बाय RBI, अगर जितने प्रकार के इंटरेस्ट रेट है उसमें RBI द्वारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, वो भी एक परिणाम होता है, इससे आपको सस्ता लोन नहीं मिल पाएगा, तो आप ठीक ढंग से निवेश नहीं कर पाओगे, ठीक ढंग से वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाएंगे, इससे आप लोगों को छटनी स्टार्ट कर दोगे। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड बैड अमंग द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, दोनों में से सबसे घटिया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, बिकॉज नेशनल इनकम इज रिड्यूस, इससे क्या होता है आपकी GDP कम हो जाती है। विद द रिडक्शन इन सप्लाई इन दी सब कॉस्ट पुश टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इससे सप्लाई चेन बाधित हो जाता है, और सप्लाई चेन बाधित होगा तो वस्तुओं का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। आप GDP का सीधा अर्थ होता है कितनी अंतिम वस्तु और सेवा का निर्माण हुआ एक घरेलू सीमा के अंदर, तो स्वाभाविक है इससे GDP विकास दर भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। इसलिए लागत जनित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होती है, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और इससे स्टेगफ्लेशन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।
एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन. दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन्वॉल्व्स ए हाई डिमांड फॉर वेजेज बाय दी वर्कर्स. अगर वेजेज बढ़ा दिया जाए वर्कर के द्वारा, वेजेज अधिकतम अधिक से अधिक मांग की जाने लगे, तो इस प्रकार का मतलब बिल्ट इन इन्फ्लेशन पैदा हो जाता है, जिसके कारण कॉस्ट जो होता है, जो इनपुट कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, और उसके द्वारा जो फाइनली जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है उसकी कीमत भी बढ़ने लगती है, और इसका मार कस्टमर को पड़ता है. तो आप रेमेडीज क्या है, रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आप उसको कैसे सुधारेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज टू सॉल्व इशू रिलेटेड टू इन्फ्लेशन कैन बी स्टेटेड एज लाइक मॉनिटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी, यू नो अबाउट दैट, संकुचनवादी नीति या राष्ट्र या फिर मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी. द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर. आरबीआई के द्वारा टाइट मॉनिटरी पॉलिसी अर्थात संकुचनवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाने के कारण क्या होगा, अलग अलग सेक्टर को भारी मात्रा में पैसा नहीं मिल पाएगा, जिससे इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने में मौका मिल सकता है. कॉन्ट्रैक्टरी मॉनिटरी पॉलिसी के कारण लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा, जब लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा तो स्वाभाविक है उसका डिमांड घट जाएगा. दिस कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज मैनिफेस्टेड बाय डिक्रीजिंग द बॉन्ड प्राइस, और बॉन्ड प्राइस की कीमत घटा दी जाती है, तो लोग आसानी से बॉन्ड खरीदते हैं और पैसा जमा करते हैं, तो जब बॉन्ड हाथ में आ जाएगा तो पैसा चला जाएगा. एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग लोन लेने ना आए. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, इससे क्या होगा, खर्च आपकी कम घट जाएगी और अल्टीमेटली हेल्थ सेट इकोनॉमिक एक शांत हो जाएगा और ग्रोथ रेट लगभग रुक जाएगा और रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइल्ड हो जाएगा, मतलब एक तरह से माइल्ड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा. दूसरा नीति है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी के तहत मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑफन सीन सेपरेटेड फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी. जनरली मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को एक दूसरे से अलग माना जाता है, जो कि अलग तरीका से डील करते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जबकि फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें टैक्स कितना खर्च करती है, सरकार कितना उधार लेती है, किस क्षेत्र में खर्च करती है, कहाँ खर्च करती है, कैसे खर्च करती है, इन चीजों को देखा जाता है. मॉनेटरी पॉलिसी इधर या तो संकुचनवादी हो जाएगी या फिर विस्तारवादी हो जाएगी. व्हेन द टोटल मनी सप्लाई इज इंक्रीज रैपिडली, अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, देन द नॉर्मल इट इज कॉल्ड एन एक्सपेंसरी पॉलिसी. जब अधिक से अधिक पैसा बाजार में चले जाएगा तो इसको एक्सपेंसरी मतलब विस्तारवादी पॉलिसी कहा जाता है. व्हाइल ए स्लोअर इंक्रीज और इवन डिक्रीज ऑफ द सेम रेफर्स टू ए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, अगर इसका जस्ट ऑपोजिट हो, अगर पैसा बाजार से सोख लिया जाए, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी हो जाएगा वो. इट डील्स विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इससे सरकार के राजस्व और उसके जो खर्चे होते हैं, कहाँ से प्राप्ति होती है, कहाँ से खर्चा होता है, किन क्षेत्रों में खर्चा किया जाता है, किन क्षेत्रों से प्राप्ति की जाती है, इसका वर्णन होता है राजकोषीय नीति में. टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, किस तरीके से सरकार भारत सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, तो पहला है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से. डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोगों के इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक है लोगों के हाथ में पैसा कम होगा. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है ताकि वस्तु की कीमत कम हो जाए, क्योंकि आम वस्तु और जो सेवा होता है वो तो सब कोई उसका उपयोग करता है. पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी डिक्रीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाता है, जैसे कि कम से कम आरबीआई से आप लोन ले, मोर फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अधिक से अधिक पैसा ले. सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स, सप्लाई चेन में क्या सुधार किया जा सकता है, जैसे इम्पोर्ट कमोडिटीज, बाहर से वस्तुओं को अधिक से अधिक सामान को घर अपने भारत में प्रवेश कराइए, एक्सपोर्ट को घटा दीजिए ताकि भारत का सामान विदेश के बाजार में ना जा पाए, घरेलू जरूरतों को पूरा कर पाए. गवर्नमेंट में पुट ए चेक ऑन द होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन, सरकार चाहे तो किसी खास वस्तु की जो होर्डिंग होती है, जमाखोरी और इसकी जो ब्लैक मार्केटिंग होती है और स्पेकुलेशन उसका जो बोली लगता है उसको रोक दिया जाए. डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बेहतर तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतरीन किया जाए ताकि लोगों के हाथ में, गरीब लोगों के, खास करके 75% जो लोग गरीब हैं
उनके हाथों में आसान से अनाज और खाद्य पदार्थ आसानी से उनको अवेलेबल हो पाए। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन को मापने के क्या क्या तरीके हैं, तो एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको WPI बोलते हैं। इट इज एस्टिमेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा मापा जाता है एंड मेजर्ड ऑन ए मंथली बेसिस, और हर महीना इसको मापा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। इट इज कैलकुलेटेड बाय टैकिंग द प्राइस चेंजेस फॉर इच आइटम, प्रत्येक वस्तु की कीमत में क्या बदलाव आ रहा है, उसमें क्या मतलब उतार चढ़ाव आ रहा है, इसको देखने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इट इज मेजर द एवरेज चेंज इन द सेलिंग प्राइस ओवर टाइम रिसीव बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर देयर आउटपुट, घरेलू विक्रेताओं के द्वारा अपने वस्तु को बेचने के पश्चात उनके जो विक्रय मूल्य है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, कितना उसमें चेंजिंग आ रहा है, इसको देखने के लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक GDP डिफ्लेटर भी होता है जो मतलब जनरली कितना प्राइस में इन्फ्लेशन आया है ये बताता है। GDP डिफ्लेटर का मतलब होता है कि नॉमिनल GDP बटा रियल GDP इंटू 100। जब आप नॉमिनल GDP को रियल GDP से भाग देके 100 से गुना करते हैं तो आपको इससे पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी हुई है। नाउ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक में हम लोग जानेंगे कि इससे क्या क्या फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन के कारण। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक कैन बी स्टेटेड, कैसे कैसे महंगाई यानी मुद्रास्फीति का प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, लेट्स सी। देखिए, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवेनली, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई की मार सब पर बराबर नहीं पड़ती, अलग अलग वर्ग के लोगों पर अलग अलग इसका प्रभाव पड़ता है। देयर आर चांसेस ऑफ हिडन कॉस्ट ऑफ फॉर डिफरेंट गुड्स, अलग अलग वस्तु की जो कीमत होती है वो छुप जाती है, सर्विस की कीमत पता ही नहीं चलता है। सडन और अनप्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन रेट्स आर हार्मफुल, अगर अचानक इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अचानक महंगाई आ जाती है, अचानक मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। दे लीड टू मार्केट इनस्टेबिलिटी, इससे मार्केट में अस्थिरता आ सकती है एंड देयर बाय मेक इट डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू प्लान ए बजट फॉर लॉन्ग टर्म, और कंपनियों को लंबा प्लानिंग करने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, वे मतलब विचलित हो सकते हैं, वो अपने टारगेटिंग को निर्धारित करने में उनको कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि वस्तुओं की कीमतों में कितना उछाल आएगा या कितनी गिरावट आएगी। इन्फ्लेशन कैन एक्ट एज ए ड्रैग ऑन प्रोडक्टिविटी एज कंपनीज, इससे कंपनियों में मतलब एक तरह से निराशा आ जाएगी जिसके कारण वो प्रोडक्टिविटी अर्थात उनकी जो कार्य क्षमता है वो भी कम हो सकता है और वो वस्तुओं की कीमतों के हेराफेरी के कारण वो वस्तु का निर्माण भी करना बंद कर सकते हैं और ओवरऑल कह सकते हैं कि इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। लेकिन मॉडरेट इन्फ्लेशन जनरली लेबर मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है ताकि एक इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने में फास्टर इकोनॉमिक की तरफ हम बढ़ पाए। इसी के साथ कुछ अब छोटे छोटे बिंदु है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है, इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट टर्म जो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला आता है डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन। देखिए, डिस इन्फ्लेशन रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर मुद्रास्फीति की दर में अगर कमी आ रही हो, मुद्रास्फीति की अगर दर में कमी आ रही हो तो उसको कहते हैं हम डिस इन्फ्लेशन, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन डिफ्लेशन जो होता है परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, अगर वस्तुओं की कीमतों में लगातार गिरावट आए और वो नेगेटिव स्तर पर, नेगेटिव इन्फ्लेशन अर्थात वस्तु की कीमत नेगेटिव हो जाए अर्थात इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में चला जाए तो उसको कहते हैं डी इन्फ्लेशन। एक होता है रिफ्लेशन, प्राइस लेवल इंक्रीजेज व्हेन द इकोनॉमिक रिकवर्स फ्रॉम रिसेशन, जब मंदी की अवस्था से सुधार होता है तो प्राइस को जानबूझकर सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं रिफ्लेशन। एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब था रेंगती मुद्रास्फीति, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3% के आसपास हो तो इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कह सकते हैं। एक होता वॉकिंग मतलब चलती हुई मुद्रास्फीति, इसमें क्या होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन मॉडरेट होता है, 3-7% के बीच होता है। एक होता है रनिंग या दौड़ती हुई या गैलोपिंग उछलती हुई मुद्रास्फीति, इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है जनरली 10% से ज्यादा होता है। और एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन जिसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन 100%, 1000%, 2000% भी बढ़ सकता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, पूरे इकोनॉमी को डुबा सकता है। एक है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन जिसमें इन्फ्लेशन और रिसेशन अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट
इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी दर भी बढ़ रही हो, विकास दर पूरा तरह से गिर चुका हो, तो इसको कह सकते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। एक मिजरी इंडेक्स होता है, मिजरी इंडेक्स है, मिजरी इंडेक्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को जब जोड़ा जाता है तो मिजरी इंडेक्स आता है या मिजरी इंडेक्स। रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड मिजरी इंडेक्स। एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, व्हेन एग्रीगेट मतलब कुल मांग अगर कुल आपूर्ति से ज्यादा हो, और उस अवस्था में जब रोजगार अपने उच्चतम स्तर पर, जब रोजगार अपने उच्चतम स्तर पर हो और उस समय अगर समग्र मांग समग्र आपूर्ति से ज्यादा हो तो कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप आ गया है। इसका जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशनरी गैप, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम हो। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जब प्राइस लेवल राइज करता है विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर बाय द गवर्नमेंट, जब प्राइस लेवल को जानबूझकर बढ़ाया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें कुछ मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तब उसको कहते हैं हम लोग ओपन इन्फ्लेशन। एक होता है कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में वैसी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जिसके प्राइस रातों रात या दिन भर में बदल सकते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ है, वोलाटाइल सब्सटेंस है, ईंधन है, क्रूड ऑयल है, इन चीज़ों को अगर हटा दिया जाए, इनके इन्फ्लेशन को हटाकर अब हम जब इन्फ्लेशन निकालते हैं तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसमें सारे के सारे वस्तु जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित होते हैं सभी के सभी के वस्तु के अगर इन्फ्लेशन को कवर किया जाता है तो उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और एक होता है स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन, ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, अर्थव्यवस्था में बहुत से स्ट्रक्चरल आधारभूत संरचना की जरूरत होती है, उन संरचनाओं के अभाव के कारण जो इन्फ्लेशन पैदा होता है जिसके कारण बोटल नेक आता है उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द इकोनॉमिक ऑफ द इन्फ्लेशन चैप्टर, बट वी विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट इन्फ्लेशन कि किन किन लोगों पर इनका इन्फ्लेशन का, किन किन वर्गों पर, जैसे किसानों पर, उत्पादन उत्पादक वर्ग पर, या फिर एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर, विदेशी मुद्रा पर, भारतीय मुद्रा पर, इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगले किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। वॉच दिस वीडियो 2 and 3 times, देन योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगैन।